स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बताने वाला हूं टर्की की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस बिरजे अकालय के बारे में और बताऊंगा उनके टॉप 5 टर्किश ड्रामास के बारे में जिनको आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं यान इन्फो, तो लेट स्टार्ट द वीडियो। बिरजे अकालय जो मोस्ट टैलेंटेड टर्किश एक्ट्रेस और थिएटर आर्टिस्ट हैं। बिरजे अकालय ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। मॉडलिंग में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी के बाद उनको एक शो में काम करने का मौका मिला जिसका नाम है एसी, जो 2007 में टेलीकास्ट हुआ था और इसमें बिरजे अकालय का एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था। मगर बिरजे अकालय को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 2010 में आए एक रोमांटिक टर्किश ड्रामा यरकग अश्क से मिली थी। इस शो के टोटली 3 सीजन्स और 122 एपिसोड्स टर्किश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं और ये शो ना ही सिर्फ टर्की में मगर दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है लव इन द एयर नाम से। और बिरजे अकालय ने अब तक 4 फिल्म्स और 13 टर्किश शोज में काम किया है और बिरजे अकालय ऐसी पहली टर्किश एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 5 टाइम्स बेस्ट टर्किश एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। आलमा अन्ने 2018 में टेलीकास्ट हुआ है रोमांटिक टर्किश ड्रामा। इस शो के टोटली 13 एपिसोड्स अवेलेबल हैं टर्किश लैंग्वेज में और ये शो के एपिसोड्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये कहानी है आलेफ की, जिसको एक गुनाह की वजह से 18 साल जेल हो जाती है। आलेफ की एक छोटी सी बेटी थी जेनिब, जिसको आलेफ को जेल जाने के बाद उसकी बहन डेमला पालती है और 18 साल बाद जब आलेफ जेल से बाहर आती है और वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है, मगर जेनिब अब आलेफ की बहन डेमला को अपनी माँ मानती है। और आगे क्या होगा, क्या जेनिब को पता लगेगा कि आलेव उसकी माँ है, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए आलमा अन्ने। एपिसोड्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। जुग आगा ये एक रोमांटिक कॉमेडी टर्किश ड्रामा है और इस शो को हिंदी में लिटिल लॉर्ड नाम से टेलीकास्ट किया गया था जिंदगी चैनल पर और इस शो को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। और इस शो की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि अली और सनम अपनी शादी से बहुत नाखुश हैं और दोनों बस बात बात पर झगड़ा करते रहते हैं और इससे इनका बेटा मेहमत चांद बहुत ज्यादा परेशान रहता है और मेहमत चांद भी अपने पेरेंट्स को परेशान करने के लिए कोई ना कोई कारनामा करता रहता है। रिसेंटली इस शो को छोटे उस्ताद के नाम से उर्दू में टेलीकास्ट किया जा रहा है ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पर। किया बियाज अश्क 2017 में रिलीज हुआ रोमांटिक थ्रिलर टर्किश ड्रामा। ये कहानी है एसली और फरहाद की। एसली एक डॉक्टर है जो एक इंसान की जान बचाने के लिए एक फार्म हाउस में आती है, मगर जल्दी उसे वहाँ पे पता लगता है कि वहाँ पे सभी क्रिमिनल हैं और एसली अपनी जान बचा के वहाँ से भागना चाहती है, मगर वहाँ वो एक खून होता हुआ देख लेती है जिसकी वजह से नेमेक फरहाद को ऑर्डर देता है कि वो एसली को जान से मार दे। मगर आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए ब्लैक एंड व्हाइट लव, जिसके एपिसोड्स आप उर्दू में यूट्यूब पे देख सकते हैं सवाल इश्क नाम से। हयात बेजन तत्लिदर बिटर स्वीट लाइफ 2017 में टेलीकास्ट हुआ रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल टर्किश ड्रामा। इस शो के टोटली 26 एपिसोड्स अवेलेबल हैं और ये कहानी है हयात की, जो एक लिटरेचर टीचर है और वो अपनी बहन के साथ रहती है जिसका नाम है गोजदे। गोजदे सेम स्कूल में ही पढ़ती है जहाँ उसकी बड़ी बहन हयात टीचर है। दोनों की लाइफ में एक नया मोड़ आता है जब हयात गोजदे के बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद हयात प्राइवेट स्कूल में जॉब छोड़ के इस्तांबुल आ जाती है जहाँ वो एक पब्लिक स्कूल में टीचर की जॉब करना शुरू कर देती है। और यहाँ गोजदे को नए फ्रेंड्स मिलते हैं और वो पसंद करने लगती है अपने क्लासमेट रोनाल्डो को, जिसे सेवदा भी पसंद करती है। और आगे क्या होगा इन सभी कंफ्यूजन में जानने के लिए देखिए बिटर स्वीट लाइफ, जिसके सारे एपिसोड्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। बाबिल द चॉइस 2020 में टेलीकास्ट हुआ साइकोलॉजिकल थ्रिलर टर्किश ड्रामा। इस शो के टोटली 20 एपिसोड्स टर्किश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं और इस शो को हिंदी में द चॉइस नाम से अपलोड किया गया है एमएक्स प्लेयर पर। ये कहानी है इरफान की, जो एक प्रोफेसर हैं और उनके 20 साल के करियर में उनको अब जाके प्रमोशन मिलने वाला होता है, मगर इससे इरफान के कोलिग्स खुश नहीं होते, जिसमें से एक प्रोफेसर इरफान को उकसाता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद इरफान पर पुलिस केस भी हो जाता है और उनकी जॉब भी छूट जाती है। और दूसरी तरफ इरफान के बेटे को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है, मगर उसकी सर्जरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्योंकि इरफान की जॉब भी छूट चुकी है तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। हर जगह मदद मांगने के बावजूद उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। और आगे कैसे इनको मदद मिलती है और आगे क्या होगा ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो ये जानने के लिए देखिए द चॉइस, जिसके एपिसोड्स एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल हैं।